हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस स्टडी सेंटर। आई एम जेपी सर। आई होप यू आर गुड हेल्थ एंड सेव एट योर होम। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 12वीं का कैलकुलस यानी औकलज का भाग 2 लेकर के आया हूँ। पिछले वाला वीडियो में औकलज से संबंधित मैंने कुछ बात बताया, आज उसी का भाग 2 लेकर के आया हूं। तो आज का भाग 2 में हम लोग जानेंगे लेबनिज का नियम। एक महान गणितज्ञ लेबनिज ने औकलज में औकलज से संबंधित एक नियम दिया, जिसको हम लोग लेबनिज का नियम कहते हैं। इसलिए बाबू, आप लोगों से हमें भी कहेंगे कि अगर आपको भी इस लेबनिज के जैसा कुछ करना, इतिहास के पन्नों में नाम जोड़ना है, तो बस अपनी सोच को बदलना होगा, अपने सोच को अलग रखना होगा। मैं ही आप लोगों से कहूंगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी उस समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वैसा शीशा की तलाश करो। तो मेरे प्रिय बच्चों, हेडिंग डाल दीजिएगा लेबनिज का नियम। तो लेबनिज के नियम में आप लिख सकते हैं कि लेबनिज नामक गणितज्ञ ने औकलज में औकलज से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे लेबनिज का नियम कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डाल दीजिएगा बाबू, लेबनिज के नियम का प्रकार। लेबनिज का नियम मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला बाबू लेबनिज का योग नियम। यदि y बराबर, लिख सकते हैं कि यदि y बराबर u प्लस v, यदि y बराबर u प्लस v कोई फलन हो, तो du बाई dx प्लस dv बाई dx को हम लोग लेबनिज का योग नियम कहते हैं। लिख सकते हैं कि यदि y बराबर u प्लस v कोई फलन हो, तो du बाई dx प्लस डीवी बाई डीएक्स को लेबनिज का योग नियम कहते हैं। दूसरा में हेडिंग डाल दीजिएगा लेबनिज का घटाओ नियम। लेबनिज का घटाओ नियम, सबट्रैक्ट लॉ ऑफ लेबनिज, सबट्रैक्ट लॉ ऑफ लेबनिज। सबट्रैक्ट लॉ ऑफ लेबनिज में नियम क्या बताया लेबनिज ने, कि यदि वाई बराबर यू माइनस भी कोई फलन हो, यदि y बराबर u माइनस v कोई फलन हो, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx को लेबनिज का घटाओ नियम कहते हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, जोड़ में जोड़ देना है और घटा में घटा देना है। इसके बाद लेबनिज ने तीसरा नियम में बताया था लेबनिज का गुणा नियम, मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ लेबनिज। लेबनिज का गुणा नियम, गुणा नियम में भी बताया था कि यदि डी यू इंटू भी कोई फलन हो और इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो पहला का गुणा कर देंगे और दूसरा का डीसी कर देंगे, फिर प्लस दूसरा का गुणा कर देंगे और पहला का डीसी यानी डेरिवेटिव यानी औकलज कर देंगे। यही है लेबनिज का गुणा नियम। तो चौथा नियम में जानेंगे, चौथा नियम में हेडिंग डाल दीजिएगा लेबनिज का भाग नियम। चौथा नियम में हेडिंग डाल दीजिएगा लेबनिज का भाग नियम, डिवाइड लॉ ऑफ लेबनिज। तो लेबनिज के भाग नियम में लेबनिज ने क्या बताया था, कि जब कोई फलन u by v हाँ भाई dx रहे, तो नीचे वाला गुणा में कर देंगे और ऊपर वाला का डेरिवेटिव निकाल देंगे, माइनस फिर ऊपर वाला गुणा में कर देंगे और नीचे वाला का डेरिवेटिव निकालने के बाद नीचे वाला से क्या कर देंगे, स्क्वायर करके भाग दे देंगे। अब लेबनिज का पांचवा नियम देखिए क्या था, हेडिंग डाल दीजिएगा लेबनिज का नियतांक नियम। लेबनिज का नियतांक नियम, कांस्टेंट लॉ ऑफ लेबनिज। इस नियम इन्होंने बताया था कि यदि कोई कांस्टेंट किसी फलन के साथ गुणा में हो, तो सबसे पहले उस कांस्टेंट यानी उस नियतांक को बाहर करके डेरिवेटिव कर देंगे। नियतांक नियम में लेबनिज ने यही बताया था कि जब कोई फलन के साथ कोई नियतांक गुणा में हो, तो सबसे पहले उस नियतांक को बाहर कर दो, इसके बाद उसका औकलज करो। तो फिर से समझ लीजिए बाबू, लेबनिज का पांच नियम था। पहला लेबनिज का योग नियम,
दूसरा लेबनिज का घटाव नियम, तीसरा लेबनिज का गुणा नियम, चौथा लेबनिज का भाग नियम और पांचवा लेबनिज का नियतांक नियम। यदि कोई दो फलन हो या तीन फलन हो या चार फलन हो जोड़ के रूप में रहे तो उसको बारी बारी से औकलज निकाल करके जोड़ देंगे। यदि घटाव के रूप में रहे, दो फलन रहे चाहे तीन फलन रहे चाहे चार फलन रहे, उसका बारी बारी से औकलज करके क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि कोई दो फलन गुणा के रूप में रहे तो पहला गुणा में करेंगे, दूसरा का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर प्लस दूसरा गुणा में करेंगे और पहला का डेरिवेटिव कर देंगे। चौथा नियम में हम लोग जानेंगे, जब यू बाई वी अगर भाग नियम में रहे, भागा के रूप में रहे तो क्या करेंगे, नीचे वाला गुणा में कर देंगे और ऊपर वाला का औकलज, माइनस ऊपर वाला गुणा में और नीचे वाला का औकलज और बटे में नीचे वाला का स्क्वायर। लेबनिज का नियतांक नियम में कहता है कि यदि कोई फलन में कोई नियतांक से गुणा हो तो उस नियतांक को बाहर करके तब उसका औकलज करिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का औकलज करें तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज गिवन दैट, दिया गया है, क्या दिया गया हो, यानी सबसे पहले जो फलन दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, y बराबर इसको y मान लेंगे, यानी y बराबर क्या दिया है, sin x plus cos x। अब करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेबनिज का जोड़ नियम में ही ने बताया था कि dy by dx कर देना और बारी बारी से फलन का औकलज करके जोड़ देना। तो पहले d sin x by dx हो जाएगा और फिर d cos x अब क्या हो जाएगा dx। अब sin x का डिफरेंशिएशन हमने बताया है पहले वाला वीडियो में क्या होता है, cos x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin, यही क्या हो गया इनसे। तो देखिए बच्चे, यानी कैलकुलस जो है फार्मूला पर चलता है, इसलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल की तरफ चलते हैं थोड़ा। एग्जांपल नंबर 2, साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स का औकलज करें, या इसी को ऐसे दे दे कि यदि, इसी क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं कि यदि y बराबर साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स हो तो dy by dx ज्ञात करें। बात देखिए दोनों बाबू सेम है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान देना। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने बताया कि जो फलन दिया रहता है ना उस फलन को लिखते हैं, तो इट इज क्या हो जाएगा गिवन है, क्या दिया है, वाई बराबर साइन एक्स माइनस ई के पावर, देखिए माइनस है, इलेमनिज का कौन सा नियम हो जाएगा, घटाव नियम। तो घटाव में भी तो हमने बताया कि सबसे पहले क्या कर दो, उस फलन को अलग अलग औकलज करके क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी उस फलन को अलग अलग औकलज करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब जैसे देखो साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स है, क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स, तो हो जाएगा डी साइन एक्स, ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा डी एक्स, माइनस डी ई के पावर एक्स बटे में क्या हो जाएगा डी, यानी अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे बाबू, उसका डेरिवेटिव करके घटा देंगे। अब आप ही बताइए, साइन का औकलज लिखवाया है, साइन का औकलज मैं लिखवाया हूँ, साइन का औकलज क्या होता है कॉस एक्स, आई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, क्या हो गया आंसर हो। इलेवनिज का कौन सा नियम पर हुआ, घटाव नियम पर। अब तीसरा एग्जांपल देखिए बाबू, जैसे दे दे कि वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें, मतलब इलेवनिज का कौन सा नियम पर है, गुणा नियम पर। तो इसका औकलज देखिए कैसे करेंगे बाबू, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिख देंगे इट इज गिवन दैट, यानी इट इज गिवन दैट, दिया गया है वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू क्या है साइन एक्स, क्या करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बताए कि पहला गुणा में कर देना तो दूसरा का डिफरेंशिएट यानी पारा पारी, अब दूसरा गुणा में कर देना तो फिर हो जाएगा पहला का डिफरेंशिएट। अब आप ही बताइए बाबू,
के पावर एक्स तो ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, साइन एक्स भी ठीक है, आई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, यही क्या हो गया आंसर। ज्यादा ज्यादा देखिए ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स दोनों में शामिल है, कॉमन भी कर सकते हैं, तो कॉस एक्स प्लस क्या हुआ साइन एक्स, यही क्या हो गया आंसर। तो याद रखना बाबू, जब कोई फलन दो को गुणा में रहे तो पहला गुणा में कर देना दूसरा का अवकलज, फिर प्लस दूसरा गुणा में कर देना पहला का अवकलज। अब देखिए साइन का अवकलज होता है कॉस, आई के पावर एक्स को होता है ई के पावर एक्स, अब ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स दोनों में शामिल था कॉमन कर लिया, यही क्या हो गया आंसर। चलिए एग्जांपल नंबर चार देखिए, एग्जांपल नंबर चार, यदि वाई बराबर ई के पावर एक्स बटे में साइन एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, हमने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए फलन को लिख लेंगे, इट इज गिवन दैट, क्या दिया है बाबू वाई बराबर ई के पावर एक्स बटे में क्या है साइन। अब बताइए ये किस पर है, लेबनिज का भाग नियम। तो भाग नियम में तो हमने बताया क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब भाग नियम में होता क्या है कि नीचे वाला गुणा में कर लेना और ऊपर वाला का डिफरेंशिएट निकाल लेना, फिर माइनस ऊपर वाला गुणा में कर देना और नीचे वाला का डिफरेंशिएट निकालने के बाद नीचे वाला का स्क्वायर कर देना। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, यानी नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला का अवकलज माइनस ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का अवकलज बटे में नीचे वाला का स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, हमने हम बार बार कह रहे हैं कि बिना फॉर्मूला का चलने वाला नहीं है। अब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, अब माइनस ई के पावर एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब बटे में क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब ज्यादा से ज्यादा ई के पावर एक्स कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में शामिल है, तो क्या मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यही क्या हो गया आंसर। एक बार फिर से देखिए, y बराबर e के पावर x बाई साइन x, यानी लेबनिज का कौन सा नियम पर है, भाग नियम पर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे x, यानी dy बाई dx, देखिए नीचे वाला गुणा में ऊपर वाला का अवकलज कर लेंगे, फिर ऊपर वाला गुणा में नीचे वाला का अवकलज कर लेंगे और बटे में नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए बाबू, साइन तो ठीक है, e के पावर x का अवकलज क्या होता है e के पावर x, देख लीजिए e के पावर x का अवकलज e के पावर x, और साइन x का अवकलज होता है cos x। अब देखिए ई के पावर एक्स दोनों में शामिल है, ई के पावर एक्स कॉमन कर देंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में साइन का स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए बाबू एग्जांपल नंबर पांच, अब एग्जांपल नंबर पांच में क्या दे सकता है, ध्यान देना बाबू, एग्जांपल नंबर पांच, जैसे मान लो वाई बराबर दे दे टू साइन एक्स प्लस थ्री ई के पावर एक्स का अवकलज करें, तो कैसे करेंगे बाबू, हमने बताया कि सबसे पहले दिए गए फलन को लिख लेंगे, इसके बाद करेंगे क्या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है कि वाई बराबर टू साइन एक्स प्लस थ्री इंटू ई के पावर एक्स का अवकलज करें, तो सबसे पहले दिए गए फलन को लिखते हैं, अब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी टू बार, अभी हमने बताया कि नियतांक को बाहर नियतांक नियम से कर देंगे तो क्या बचेगा डी साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, फिर थ्री को बाहर कर देंगे तो डी ई के पावर एक्स बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए बाबू टू तो ठीक है, साइन का क्या होता है कॉस, थ्री भी ठीक है, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, यही क्या हो गया आंसर। तो यही है बाबू लेबनिज का नियम, सब पर हमने एक एग्जाम्पल दिया और कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ डिफ्रेंशिएशन दे रहे हैं, इसको घर पर बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए बाबू, निम्न दिए गए फलनों का अवकलज करें, निम्न दिए गए फलनों का अवकलज करें, पहला है बाबू वाई बराबर ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, दूसरा है वाई बराबर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर चार प्लस ई के पावर एक्स प्लस सात के पावर एक्स,
ये चार क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को अथक प्रयास कर लीजिएगा और बना करके लाइएगा। तो थैंक यू।